घर में रखे ये 13 चीजें कभी नहीं होगी धन की कमी। मिट्टी का घड़ा या सुराही, मिट्टी का छोटा घड़ा या सुराही को पानी से भरकर घर की उत्तर दिशा में रखने से पैसों की तंगी नहीं होती। इन्हें खाली ना रहने दे, जल के समाप्त होने पर दोबारा भर दे। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर नित्य पूजा करने से बरकत होती है। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, स्वास्तिक चिन्ह की तस्वीर लगाना, घर के मुख्य द्वार में लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर या स्वास्तिक के चिन्ह की तस्वीर लगाने से धन का अभाव नहीं होता। पिरामिड, घर के उस स्थान में जहाँ पारिवारिक सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हैं, वहाँ चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और पैसों की कमी नहीं होती। कछुआ और मछली, घर से संबंधित कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धातु से निर्मित कछुआ और मछली रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और बरकत बनी रहती है। गोमती चक्र, शास्त्रों में गोमती चक्र को बेहद शुभ माना गया है। माना जाता है गोमती चक्र को घर में रखने से सुख शांति और समृद्धि आती है। 11 गोमती चक्र पीले कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। कमल गट्टे की माला, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कमल गट्टे की माला को शुभ माना गया है। माना जाता है कमल गट्टे की माला को घर में रखने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। छोटा नारियल, लघु नारियल को श्रीफल कहा जाता है। जिन घरों में श्रीफल रखा जाता है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। मोरपंख, मोरपंख को वास्तु में बेहद खास माना गया है। घर में मोरपंख को लगाने से कीड़े मकौड़े भी कम आते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मान्यता है मोरपंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोरपंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल में मोरपंख जरूर लगाएं। पारत शिवलिंग, पारत शिवलिंग की पूजा करना गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए बेहद खास माना गया है। घर में भगवान शिव से जुड़ी कोई शुभ तिथि देखकर पारस शिवलिंग की स्थापना करें और रोजाना विधि विधान से पूजा करें। पारस शिवलिंग को वास्तु में भी बेहद खास माना जाता है। श्रीयंत्र, पूजा स्थल में श्रीयंत्र की स्थापना जरूर करें। श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय माना जाता है। श्रीयंत्र की पूजा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। माना जाता है कि श्रीयंत्र को घर में स्थापित करने से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ता है। श्रीयंत्र के सबसे ऊपरी स्थान पर माना जाता है कि सभी देवी और देवताओं का वास होता है। श्रीयंत्र को घर में स्थापित करने से आपको चारों ओर से सुख की प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख, वेदों और पुराणों में दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने के कई लाभ बताए गए हैं। माना जाता है दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु और चोरी का भय दूर होता है। शास्त्रों में भी दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक माना गया है। इसका प्रयोग करने से ऋण, रोग और दरिद्रता दूर होती है। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तुलसी, हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। सर्दियों में तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए और फिर या फिर किसी दुपट्टे या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढककर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिया जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।